इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो आप कैसे भी अपना ट्राइंगल बना लीजिए। ए बी सी, बी 90 डिग्री है, डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, तो डी यहां पे है, यानी ये और ये आपस में इक्वल है, दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू डी सी, गिवेन बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई एसी स्क्वायर से शुरू करते हुए यहां तक पहुंच जाए, कुछ ऐसा करें, है ना। तो LHS इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर को आप तुरंत लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जा रहा है किससे, बोलिए भाई रीजन बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन हमारे पास ना यहां पर ए बी स्क्वायर है ना यहां पर बी सी स्क्वायर है, तो थोड़ा सा हमें स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। हम लोग इसे कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि एक और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने लगेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, AB स्क्वायर प्लस, बोलिए, BD स्क्वायर। लेकिन यार हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें CD स्क्वायर चाहिए, है ना, और BD और CD इक्वल है, DC ना लिखो यहां पे, CD लिख लो ज्यादा अच्छा होगा, एक ही बात है। ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यार यहां पे हमें AB नहीं चाहिए, है ना, AD और CD चाहिए, तो AB को हम AD और CD में बदलते चले जा रहे हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। अभी भी हमारा काम नहीं बना, थोड़ा बहुत तो शक्ल मैच करने लगी बट सारा काम नहीं हुआ। अब बीसी, बोलिए अब क्या चेंज कर सकते हैं, बोलिए, आप ये लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल टू, इक्वेट करा सकते हैं सर, इक्वेट करा सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि हम लोग सीधा सीधा LHS से शुरू करें और RHS पे खत्म करें, सबसे बढ़िया, मतलब आनंद तभी आता है किसी बच्चे को कि LHS से RHS तक पहुंचा दे एक ही हो में करते करते, तो वही कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर। देखिए आप BC को 2 times CD लिख सकते हैं कि नहीं, BC जो है वो CD का डबल है, तो बस CD 2CD का होल स्क्वायर यहां हो सकता है, है ना, और AD स्क्वायर अब तो काम ही हो गया अपना, है ना, 4CD स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि आप इसको पहले करके दिखा दें, पहले इसको लिखें फिर इसको लिखें, इसको बीच में यहां पे लिख दें इस जगह, है ना, ये जो है ये इसका रीजन है, पहले इसे नोट करिए फिर इसे नोट करिए, जब आप इसे नोट कर रहे हो तो इसको इसके साथ में रखिए, तो ज्यादा अच्छे से आपका सॉल्यूशन फ्रेम होगा। ये एग्जाम में आया था और 5 नंबर का आया था, तो सोच लीजिए कि कितनी आसान चीजें आती हैं, ठीक है, और अच्छे खासे वेटेज के साथ। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज पैरेलल टू DC, आपको फिगर यहां पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और जो बच्चे गूगल मीट क्लास में है वो लोग अपना जो फिगर है
वो व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। डी सी ए बी, जाहिर है कि ये ट्रेपीजियम टाइप का है, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है। और ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी आपको दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर लिखा है, मैं मीटर स्क्वायर लिखना पसंद करता हूं। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी आपको दिया गया है 7 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपको 7 दिया गया है, और ए ओ ये रहा, और ए ओ डी दिया गया है आपको 4। ठीक है, मैं शेड ही कर देता हूं तो ज्यादा अंदाजा लगेगा आपको। तो ये काली वाली जो शेडिंग है ये आपको दी गई है 4, ए ओ डी इज गिवन एज 4, और बी सी डी जो लाल वाली शेडिंग है वो आपको 7 दी गई है। ठीक है भाई, अब इसमें कहीं ये नहीं दिया गया है कि भाई ये जो है बी डी का ओ मिड पॉइंट है या ए सी का ओ मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। बट इतना तो हम लोग कर सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी कहीं से प्रूव कर सकते हैं क्या? सिमिलैरिटी प्रूव, हाँ जी बोलिए। एसीडी और बीसीडी का एरिया इक्वल होगा क्योंकि वो लोग सेम पैरेलल लेंथ के बीच में सेम बेस पर है। एक बार फिर इसी से कारण बोलिए, ए सी डी और और, बीसीडी हाँ बिल्कुल सही बोला है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, तो हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, यानी कि ये वाला 7 है तो ये वाला भी 7 होगा, है ना? और इसका मतलब फिर ये छोटा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, है? हाँ, 3, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग खास सिमिलैरिटी का ज्ञान शायद इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। और फिर आपसे पूछा ओसीडी का ही पूछा भी गया एरिया, वेरी गुड। और रेशियो ऑफ बीओ इज टू ओडी, बीओ इज टू ओडी, चलिए वो रेशियो तो हम लोग निकाल लेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी सर, चलिए, अगर हम वैसे कर रहे हैं सर, मतलब पहले एओडी और बीसीडी को सिमिलर प्रूफ करके सर उनकी एक एक साइड निकाल के तब हम एसी मतलब सीओडी और उसको कर रहे हैं अच्छा सिमिलर चलिए, करके अगर तब अगर उसकी आप इक्वलिटी। ऐसा कर रहे हैं बेटा कि आप ए ओ डी और ओ सी बी यही कर रहे हैं ना, ओ डी ए और ओ सी बी को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, तो सर पहले मैंने एओडी और बीसीडी को करा सर, क्योंकि फिर उनकी एक एओ साइड भी डी निकल जाएगी ना और करस्पॉन्डिंग साइड। नहीं, एओ डी और बी सी डी को तो आप कर ही नहीं पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? आप ऐसा बोल रहे हैं ना, एओ डी और बी सी डी ऐसा बोल रहे हैं आप, यस सर, कैसे कर पाएंगे भाई? इनमें तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक तो ये दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर दूसरा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। खैर, वो आई थिंक आपकी वो अप्रोच तो सही नहीं है। फिलहाल हम लोग इसमें जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, जो पूछे जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन। देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे ए सी डी लिखा है वैसे ही हम लोग बी डी सी लिखेंगे। ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड द सेम बेस हैव इक्वल एरियाज,
है ना, यही बोल रहे हैं आप, यही वाला थ्योरम लग रहा है, ये 9th में पढ़ा होगा आपने। अब इस तरह से हम लोग बी डी सी, अच्छा यहां पे ये लोग बी सी डी बोल रहे हैं, तो मैं भी यहां पे बी सी डी बोलना पसंद करूंगा। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर हम लोग तो ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओएबी को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, तो ओ डी सी और ओ ए बी को कर सकते हैं बिल्कुल, वहां पे अल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल करके कर देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हमें पता चल गया 7, वो हो जाएगा ए ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताओ भाई ए ओ डी 4 आपको दिया भी हुआ, प्लस पूछा क्या गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, सही है ना। मतलब यार इतना मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जैसा लिखें तो उसमें कोई कमी न रह जाए। ए ओ डी जो है वो है 4 और ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। आप तुरंत 3 नहीं बोल सकते हैं वहां जाकर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, जो भी आप लिखना चाहें बच्चों। तो इसको पहना देते हैं लाल बक्सा, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा गोल है हमारा बी ओ इज टू ओ डी निकालना, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो अपना पूरा डायग्राम है उसे फिर से बना रहा हूं ताकि इधर गंदगी ना हो। आपके सामने दो पैरेलल लाइंस है, ये आपको दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो इसीलिए वो दो पैरेलल लाइंस मैं बना ही ले रहा हूं ऑलमोस्ट इसी को कंटिन्यूअस करके, और ये अपना ट्रेपीजियम है। पैरेलल लाइंस थोड़ी सी हो जाएंगी डॉटेड, ओके। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें ब्लैक वाले ट्रायंगल का एरिया पता है और रेड वाले ट्रायंगल का एरिया पता है, और पिछले वाले क्वेश्चन से हम लोग ये भी डिड्यूस कर चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीडी भी हम लोग निकाल चुके हैं 3 मीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आया है पिछले क्वेश्चन से। पार्ट 1 से, ठीक है, तो उसी बात को यहां पर पार्ट 2 में हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 है, अगर हम लोग बात करें, चलो इस बार इसे मैं रेड दे देता हूं, ये जो रेड ट्रायंगल है इसका एरिया है 3, तो इसकी मैं ये परपेंडिकुलर बना लेता हूं H1। उसी तरह ये वाला जो ट्रायंगल है ब्लैक वाला, इसकी हाइट मैं बना लेता हूं H2। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड हैं ये कैलकुलेट करने में। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं H3। चलिए किसको क्या नाम दिया है ये भी बता देता हूं, इस पॉइंट को आप M मान लीजिए, इस पॉइंट को आप N मान लीजिए और इस पॉइंट को P मान लीजिए, बाकी A B C
डी ये पुराने नाम है। तो उसी ट्रेपीजियम को एक बार फिर से मैंने कंस्ट्रक्ट किया और उसमें से तीन और नाम दिए, H1, अच्छा ये है H1, ये वाले को दे देते हैं H2 और ये वाले को दे देते हैं H3। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें 9th क्लास के कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। फिर मैं ये जरूर बोलूंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये बोर्ड एग्जाम में आए, बट आपको करना चाहिए ताकि आप कॉन्सेप्चुअली मजबूत हो। अगर आप ये वीडियो बिल्कुल एग्जाम के पहले देख रहे हैं, यानी कि एग्जाम के अभी 1 ही 2 महीने 3 महीने बाकी हैं, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तक तो आपके लिए जरूरी था, बट ये जो सेकंड पार्ट कर रहे हैं ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। बट बच्चों ने डाउट के रूप में मुझसे पूछा है, इसलिए मैं इसे इसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है, तो एक रेड ट्राइंगल क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, या ऐसे रेड और ब्लैक करने की जरूरत नहीं है आपको। रेड वाला है ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है, और ब्लैक वाला है ट्राइंगल ये बड़ा वाला है ना। और आप देखिए कि ट्राइंगल ए सी डी जो है वो ट्राइंगल बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट भी होगा, अभी वो भी हम कर लेंगे। ट्राइंगल ए सी, या आप इवन ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ये वाला बी सी डी ले रहा है ना, तो आप बी सी डी ही ले सकते हैं, ये इसको आप ना मानिए ब्लैक ट्राइंगल, क्योंकि फिर हमें कॉन्ग्रुएंट वाले रास्ते पे भी जाना पड़ेगा, आप इसे मानिए ब्लैक ट्राइंगल। और हाइट तब भी वही बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। आगे बीच में कोई क्वेश्चन में पूछ ले तो कॉन्ग्रुएंट भी आप प्रूव करना जानते हैं, ठीक है। ओके, ब्लैक ट्राइंगल जो है हमारा वो है ट्राइंगल बी सी डी, रेड ट्राइंगल OCD का एरिया क्या है 3 मीटर स्क्वायर, और ट्राइंगल BCD का एरिया क्या है 7 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग अब बस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का रेशियो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है DC इंटू हाइट क्या है OCD में, हाइट क्या है H1, और हाफ DC, DC की जगह हम लोग अब अगर BCD का एरिया निकालते हैं तो तब भी देखिए हाइट हाइट तो अपनी H2 है, लेकिन बेस फिर भी DC ही है, ये हो गया H2, सब सही जा रहे हैं। अब देखिए हाफ हाफ डीसी डीसी कट गया, और ट्राइंगल ओसीडी का एरिया 3 है, ट्राइंगल बीसीडी का एरिया 7 है। तो इस तरह से हमें H1/H2 पता चल गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि H2 जो है वो H1+H3 है, H1+H3 है, ठीक है। तो अब आप 7/3 कर लीजिए, H1+H3/H1 कर लीजिए, और 7/3 1+H3/H1 कर लीजिए। तो वैसे आप माइनस माइनस करके भी कर सकते थे, लेकिन मैं पूरा रेशियो से कर रहा हूं। 7/3 से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि H3/H1 आ गया है आपका 4/3। अब इसको बच्चों बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आंसर नहीं है लेकिन यही है जो हमें आंसर तक पहुंचाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ओ सी डी, ये छोटा वाला,
और ट्राइंगल ओ ए बी, ये बड़ा वाला। और इसमें देखिए ओ सी डी और ओ ए बी इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। अब ये जानने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इनके जो एरियाज हैं वो उनके हाइट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ सी डी की हाइट कितनी है, H1 है, और ओ ए बी की हाइट कितनी है, H3 है, लेकिन इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में इसका एरिया होगा। और ना सिर्फ हाइट के प्रोपोर्शन में एरिया होगा, बल्कि हर एक साइड के प्रोपोर्शन में होगा। इसलिए हम लोग ओ सी डी जो है उसकी एक साइड है ओ डी, और ओ ए बी की एक साइड है ओ बी। इसके भी प्रोपोर्शनल इसका एरिया होगा। तो देखिए इन दोनों को ले लेंगे, सॉरी इन दोनों को ले लेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, और इन दोनों को ले लेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंत में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी भी पूछा गया है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी क्या है, 3। और अब मैं इसको ट्राइंगल ओ ए बी ही लिख रहा हूं, ट्राइंगल ओ ए बी, चलिए लिख देता हूं हर बार एरिया ऑफ। और H3 अपॉन H1 4/3 है, तो H1 अपॉन H3 3/4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और OD अपॉन OB हमें कैलकुलेट ही करना है, तो इन दोनों से हम लोग फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे, सॉरी इन दोनों से हम लोग सेकंड पार्ट निकाल लेंगे, और इन दोनों से हम लोग थर्ड पार्ट निकाल लेंगे। इसे हम लोग कंडीशन 1 मान लेते हैं, ताकि हम लोग यूजिंग कंडीशन 1 बार बार लिख सकें। इसको बच्चों ध्यान से लिख लीजिएगा, ये स्टेप मिस कर गया मैं। बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये दोनों ट्राइंगल जो हमने कंसिडर किए थे वो सिमिलर हैं। सिमिलर लिखने के बाद आप ये लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ा जल्दी निपटा रहा हूं। कंडीशन 1 को मैंने थोड़ा कायदे से लिख दिया है यहां पर, और सेकेंड पार्ट करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, बीओ इज टू ओडी 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओबी का होल स्क्वायर, लिख दें तुरंत यूजिंग 1। यह है 1, ठीक है। अब अंडर रूट ले लीजिए, और बीओ लिखा हुआ है, ओडी लिखा हुआ है, वही नाम ले लेते हैं। दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, और रेसिप्रोकल ले लीजिए 4/3 बीओ अपॉन ओडी। दिस इंप्लाइज बीओ इज टू ओडी 3/4। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही हम लोग स्टिक करें। यहां पे आप डीओ ना लिखिए, बीओ इज टू ओडी इज इक्वल टू 4:3। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट भी यही निपट जाना चाहिए, 3/ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, यूजिंग कंडीशन
कंडीशन वन। ठीक है भाई, सही से लिखते रहिए। रेसिप्रोकल ले लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, रेसिप्रोकल मतलब दोनों का उलट, और यहां 4 × 4 हो जाएगा, यहां पे 3 × 3 हो जाएगा, ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आ जाएगा 16/3 मीटर स्क्वायर। सारे एरिया मीटर स्क्वायर में आ रहे थे, स्क्वायर मीटर में आ रहे थे, इसलिए वही यूनिट्स पे हम लोग स्टिक करेंगे। सेकंड पार्ट के बाद अब ये थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने निपटा दिया। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली डन नाउ। इट वाज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। हियर अलोंगसाइड बीसी इज पैरेलल टू डीई, बीसी इज पैरेलल टू डीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यानी ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल जो है उसका एरिया है 25 cm², और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी है 24, ठीक है, और डी ई की लेंथ आपको दी गई है 14। हमें लेंथ बी सी कैलकुलेट करनी है, काफी आसान सवाल है मेरे हिसाब से। तो ये 14 cm है, ये एरिया जो है वो आपको दिया गया है 25, और फिर उसके बाद ये जो रेड वाला एरिया है ये आपको दिया गया है कितना 24, ठीक है, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए डी ई का एरिया हो जाएगा 25 + 24 और ये हो जाएगा 25, ठीक है, तो ये हो जा रहा है 49/25, और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो एरियाज जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ऐसा ना, एडीई में जो साइड है वो क्या है डीई, और एबीसी में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो है बीसी, तो ये स्क्वायर ऐसे आ जाएंगे, है ना। और यहां से यहां हम लोग क्यों आ पाए हैं, क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं कि जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको डिसीजन यहाँ पे कैसे लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन जो है वो 2 marks का ही है तो आप रिस्क लीजिए और आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करते जाइए, आंसर निकाल के निकल लीजिए। अगर क्वेश्चन 4 marks का है, अगर अगर क्वेश्चन 4 marks का है बच्चों, तो फिर आप प्रूव कर दीजिए, 3 का है तब भी आप सेफ्टी के लिए प्रूव कर दीजिए, तो मैं मान के चल रहा हूं कि चलो प्रूव कर ही लेते हैं। क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, फिर उस सिमिलैरिटी का यूज करके हम लोग इस स्टेप तक पहुंचे हैं। तो भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, बोलो क्यों, बोलो एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड, इज इक्वल टू एंगल एई डी, दोनों का यही रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स डायरेक्ट बीसी पैरेलल टू डीई भी जो लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, नहीं तब भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखिए, ज्यादा सेफ रहेगा वो, आपका मन कर रहा है अगर लिखने का, एक मिनट रुक जाइए, अगर आपका मन कर रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थोड़ा इनसफिशियंट लग रहा है तो आप बीसी पैरेलल टू डीई भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जरूर लिखें, ठीक है। बाई ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल
ABC is similar to triangle ADE. अब इसके बाद हम लोग यहां आ सकते हैं और ये करते चले जाइए आप। अब आप बोल रहे हैं DE डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और आपको DE जो है, DC यहां लिखे होंगे, ये जो DE है ये पता है कि ये 14 स्क्वायर है ना। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए आप, 14 डिवाइडेड बाई BC और ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5। यहां से BC आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों भाई, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। आप आराम से एग्जाम में यहां से यहां जंप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द लेंथ ऑफ द साइड BC इज 10 सेंटीमीटर। भाई हो गया ये वाला सवाल है? यस सर।